है गाइस, सबको फिर से स्वागत है हमारे लर्निंग ब्लॉग में। तो भाई आज हम आपको बताएंगे कि स्टीयरिंग कैसे संभाली जाए और स्टीयरिंग भाई सीधी सीधी रोड पे कैसे चलाई जाती है, जो कि कितने लोग नए नए जो होते हैं ना वो गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल नहीं पाते हैं, जो कि गाड़ी बाएं बाएं भागने लगती है यानी लेफ्ट राइट भागने लगती है। तो आ जाओ भाई वीडियो में रास्ते बने रहना, हम आपको बताएंगे कि स्टीयरिंग कैसे संभाले और ईजी सीजी तरीके में। तो आ जाओ फिर, कितने लोग नए होते हैं ना तो भाई वो स्टीयरिंग समझ नहीं पाते। ठीक, अभी ये फिलहाल हमारी स्टीयरिंग है। तभी ये लोगों से नहीं मतलब रखता कि ये डंडी जो दिखते हैं कितने लोग ये देखते हैं, ये चीज़ नहीं देखना है ना, इसको देखना है। ठीक, अभी देखो जैसे कि मेरी स्टीयरिंग जैसे भी है वैसे है, अभी टायर हमारा सीधा है, टायर सीधा रहना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं, टायर हमारा सीधा ना। अभी आपको सीधा समझने का तरीका बताता हूँ। कितने लोग अभी देखोगे ना किसी ड्राइवर के साथ में बैठ के, वो भाई कभी भी ये स्टीयरिंग ऐसे ऐसे पूरा नहीं काटेंगे, वो इशारे से काटेंगे, ऐसे ऐसे जहाँ भी बजेगी ना वो धीरे धीरे आगे पीछे करते हैं। ठीक, तो इसके हिसाब से भाई आप भी जब गाड़ी पे बैठो स्टीयरिंग पे, ठीक, तो आपको सीधा नज़र रखना है सामने, सामने कर इधर नहीं रखना है, एकदम नज़दीक में नहीं रखना है, दूर में रखना है, जो गाड़ी देख रहे हैं उतना दूर देखना है। ठीक, और गाड़ी चलाते चलाते समय अगर आपका लेफ्ट राइट भाग रहा है तो लेफ्ट राइट भाग रहा है, तो जिसे लेफ्ट भाग रहा है तो राइट में हल्का सा काटे, जैसे कि अभी स्टीयरिंग है बस इतना ही, इतना ही जाने इतना ही काटे, ऐसा क्या है आपका गाड़ी जो है कंट्रोल में रहेगा और ज़्यादा दूर नहीं भगेगा। ठीक, और भी फिर जब लेफ्ट राइट काटे तो आपको साइड ग्लास जरूर देखना है, साइड ग्लास जो दिख रहा है ना साइड ग्लास आपको बराबर देखना है, लेफ्ट राइट कहीं भी काटने के पहले एक बार साइड ग्लास जरूर देखें, जिस साइड काट रहे हो उस साइड का साइड ग्लास देखें, फिर उसके बाद ही काटें। इस तरह से भाई स्टीयरिंग आप संभाल सकते हैं। और कभी आपको ना हमें रोड पे गाड़ी निकाल के बताऊंगा, वैसे मेरा ब्लॉग देखा करो जो सुबह 8:50 पे पॉइंट डालता हूँ, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत सिखाता हूँ गाड़ी कैसे चलाई जाती है, कुछ गाड़ी का नॉलेज भी देता रहता हूँ। चैनल पे भाई नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, अगर हमारा वीडियो कैसा लग रहा है तो लाइक करो और कमेंट जरूर बताओ मैं आपको किस तरह से समझाऊँ कि आपको समझ में आए। तो एक बार फिर से बताता हूँ भाई कि आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, स्टीयरिंग जैसे वैसे रहने देनी है। ठीक, और जब गाड़ी स्टार्ट करें, ठीक, सीधा लेके जाएं, स्टीयरिंग नहीं काटनी, सीधा लेके जाएं। सीधा ले जाने के बाद अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी भी इधर दब रही है तो इस साइड में काटें, इस साइड में काटने के पहले एक बार साइड ग्लास पे ध्यान दें, उसके बाद इधर काटें तो एक बार इस वाले साइड ग्लास पे ध्यान दें। इस तरह से आपका स्टीयरिंग सही संभलेगा और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और ज़्यादा टफ है तो किसी ड्राइवर के साथ में एक दिन बैठ कर उसकी स्टीयरिंग पे ध्यान दें कि आपको स्टीयरिंग कैसे वो ड्राइवर काट रहा है आपको समझ में आ जाएगी, उस तरह से आप स्टीयरिंग संभाल लेंगे। वैसे सही बताओ तो जब तक आपको हाथ में स्टीयरिंग मिलेगी नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, फिर भी जो बता रहा हूँ ना बताने के हिसाब से मैं सही बता रहा हूँ। ठीक, अब इस तरह से आप गाड़ी आसानी से चला सकते हो भाई। अभी कभी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा कि ये शीशे साइड ग्लास है जो ऊपर वाला बड़ा वाला, इसका क्या मतलब होता है और कहाँ सेट किया जाता है, और ये भी ये शीशे प्लस ये दोनों शीशे और इधर भी दो शीशे होते हैं फिलहाल एक शीशा है, तो ये सब शीशे कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे यूज किया जाता है, इसमें इनका क्या काम होता है, ये भी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। तो भाई लर्निंग ब्लॉग देखना है, ट्रक चलाना है तो भाई फटाफट जाने से जाकर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट बताओ कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो भाई आज का लर्निंग वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और हम शाम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी सी लर्निंग वीडियो में। तो बाय बाय एंड चाइल्ड।